हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में केबल का मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगा आपको कि हम लोग न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने मेरी पिछली वीडियो में केबल एंड सस्पेंशन ब्रिज के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं या फिर जितने भी बेसिक पॉइंट्स हैं मैंने सब बताया हुआ है। मैंने उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। ओके, तो न्यूमेरिकल ऐसा है कि फाइंड मैक्सिमम टेंशन इन द केबल एंड लेंथ ऑफ द केबल, यानी हमें मैक्सिमम टेंशन निकालना है और लेंथ ऑफ द केबल निकालना है। ओके, ये हमें कोई भी केबल दी हुई है जिसमें डिप दिए 3 मीटर और स्मॉल एल की वैल्यू दी है 30 मीटर। ओके, और यूडीएल दिया है 10 किलोन्यूटन पर मीटर का। ठीक है, हम पहले निकालेंगे वर्टिकल रिएक्शन, यानी ए पॉइंट और बी पॉइंट पर वर्टिकल रिएक्शन। ये वी ए हो जाएगा, ये हो जाएगा वी बी। ओके, ये इधर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एच, इधर भी सेम हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एच। ओके, और ये हो जाएगा टेंशन टी, इधर भी टेंशन टी। ओके, तो हम लोग पहले निकालेंगे वी ए और वी बी। वी और वी बी की वैल्यू क्या आएगी, डब्ल्यू एल बाय टू, यानी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 10 इंटू स्मॉल एल, स्मॉल एल कितना दिया है 30, तो 10 इंटू 30 अपॉन 2, तो वी ए इक्वल टू वी बी हो जाएगा 150 किलो न्यूटन। ओके, उसके बाद हम लोग निकालेंगे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एच। एच का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 डी। मैंने मेरी पिछली वीडियो में ये प्रूफ करके बताया कि ये फॉर्मूला कैसे आता है, मैंने उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, तो सारी वैल्यूज पुट की हम लोगों ने, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 10, स्मॉल एल की वैल्यू है 30 और डी की वैल्यू यानी डिप की वैल्यू है 3 मीटर, तो हमने डी इक्वल टू 3 मीटर पुट किया, तो इधर से एच आ गया 375 किलो न्यूटन। उसके बाद हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम टेंशन। ओके, टेंशन निकालेंगे हम लोग, तो टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल टू अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, मैंने ये वी ए की वैल्यू पुट की, वी ए की वैल्यू कितनी है 150 किलो न्यूटन और एच की वैल्यू कितनी है 375 किलो न्यूटन। ठीक है, तो वी ए और एच पुट किया हम लोगों ने, इधर से टी की वैल्यू कितनी आ गई 403.9 किलो न्यूटन। ओके, जो मैक्सिमम टेंशन है वो ए और बी सपोर्ट पर आएगा। ठीक है, यानी ये जो ए और बी सपोर्ट है इस पॉइंट पर मैक्सिमम टेंशन आएगा। उसके बाद हम लोग निकालेंगे लेंथ ऑफ द केबल। लेंथ ऑफ द केबल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है स्मॉल एल प्लस 8/3 d² / l। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट की हम लोगों ने, एल की वैल्यू कितनी दी है, एल की वैल्यू दी है 30, डी की वैल्यू दी है कितनी, ये दी है 3 मीटर। ओके, तो हम लोगों ने सारी वैल्यूज पुट की, इधर से एल की वैल्यू आ गई 30.8 मीटर। ओके, आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया हो। मैं आने वाली वीडियोस में और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा केबल्स एंड सस्पेंशन ब्रिज के। अगर आपका कोई सजेशन है कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।